नमस्कार जी, मैं मंजू। शाम का टाइम हो चुका है और आज मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जो मेरे गार्डन में ऑर्गेनिक सिंगाड़े लगे हुए हैं। तो ये देखिए मेरे गार्डन के ये सिंगाड़े, ये देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने अपने जो पुराने चैनल मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे मैंने ये वीडियो डाला था, 10 जून को डाला था। तो उसमें इसको ग्रो करना सिखाया था और पूरी उसमें डिटेल में जानकारी मैंने दी हुई है। तो इसमें खूब सारे सिंगाड़े लग रहे हैं, इसमें फूल भी सफ़ेद रंग का आता है। और ये देखिए कितने अच्छे, ये बहुत ही ज़्यादा और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ऐसे, ये देख रहे हैं। तो वीडियो नंबर 1023, वीडियो नंबर 1023, ये पूरी जानकारी के लिए देख सकते हैं। ये यहाँ फूल लगता है और फिर बाद में सिंगाड़ा बनता है। और ये सिंगाड़ा, और ये देखिए इधर सिंगाड़े लगे हुए हैं पीछे की तरफ भी। और ये देखिए जैसे ये यहाँ पे ये छोटे छोटे सिंगाड़े बन रहे हैं। यहाँ फूल लगा था, अब ये सिंगाड़ा इधर बनना शुरू हो गया। और ये अभी बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल भी हो रहे हैं और शाम का टाइम भी, तो बिल्कुल साफ नहीं आ रहा ये। फिर भी आपको दिख रहा होगा ये यहाँ फूल लगा था और ऐसे यहाँ सिंगाड़ा बनना शुरू हो जाएगा। ये दिखा तो बहुत ही मज़ेदार इनको देखना, और कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, ये देखो तो बहुत ही अच्छा। ये देखिए तो इस प्लांट को आप जरूर ग्रो करें और इतना खूबसूरत लगता है ये, कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। बस मैंने जो ऑर्गेनिक चीज़ें, जो वीडियो नंबर मेरा आप वही वाला देख लें जो अभी मैंने आपको नंबर बताया है, तो ये मैं अपने दूसरे चैनल पे डालने वाली हूँ, मंजू नेचर लवर में डालने वाली हूँ। तो इतनी सुंदर इसकी चमकदार पत्तियाँ और गार्डन के ऐसे बड़े शोभा बढ़ाती हैं। और तो जो सूखी पुरानी पत्तियाँ जो जैसी होती हैं, तो उसकी आप खाद बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है दूसरे प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से ये इसमें ग्रोथ न्यू न्यू होती जाती है। और यहाँ पे जैसे ये फ्लावर्स सफ़ेद रंग का ये आता है, ये देखिए ये कली खिल रही है, ये आप ये देख रहे हैं, ये पत्तियाँ ऊपर को आ रही हैं, ये कली खिल रही है। तो यहीं पे फूल खिलेगा और फिर इसका फूल खिलने के बाद फिर इस तरह से ये छोटा सा ये सिंगाड़ा बनेगा। तो ऐसे तो मैंने बाजार से लेके सिंगाड़े बहुत ऐसे खाते ही हैं, हर बारी आप भी खाते होंगे, उसी तरह से मैं भी खाती हूँ। ये देखिए ये फूल जैसे अब ये जो ये पूरा हो गया इसकी लाइफ, और इसके बाद अब यहाँ सिंगाड़ा बनना शुरू होगा। तो नज़दीक से अगर घर में चीज़ लगाई हो तो उसको देखना बहुत ही मज़ेदार रहता है, और कोई खास केयर नहीं। इसका तो पानी भी चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे कि हम दूसरे वो उनका मैंने पानी के कई सारे लगा रखे हुए हैं, जैसे उनका हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते में पानी चेंज करते हैं, या फिर नया पानी मैं डाल देती हूँ तो पुराना जैसे सूखता रहता है। तो नया तो इसलिए ज़्यादा कोई ऐसे मच्छर वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं आती, और जब आपने टेरेस पे धूप में पौधे रखे हों तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए कितने ये सिंगाड़े लग रहे हैं ऐसे, इस तरह का पौधा ये देखा ऐसे। और ये सारे ये छोटे 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 ये देखिए ये यहाँ पे ये बन रहे हैं सिंगाड़े बन रहे हैं। और ये खाद बड़ी कमाल की होती है प्लांट्स के लिए। तो ये देखा आपने, ये घर के ऑर्गेनिक सिंगाड़े हैं। और बस वही जो मैंने वीडियो नंबर 1023 1023 में जो मैंने जैसे खाद डालना बताई थी वही डाली थी। जब इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हुए थे, सेप्टेम्बर में ही फ्लावर्स आना स्टार्ट हुए थे, और तब मैंने शायद किसी वीडियो में इसका फूल मैंने दिखाया था। तो वाटर लिली का एक दिन पहले बनाया था, तो फिर मैंने इसका फूल भी शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसे याद आ रहा, पक्का नहीं मैं कह सकती, जब मैंने अपने गार्डन में मैंने पानी में उसका लोटस का फूल वाला वीडियो बनाया था, तो उसके दूसरे दिन उस दिन खिला हुआ था इसका फूल, पर मैं दिखाना भूल गई थी। तो दूसरे दिन मैंने किसी वीडियो में दिखाया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार इसका जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, और इतना ज़्यादा अच्छा ये लगता है प्लांट, इतना चमकदार, और कोई खास केयर नहीं इसकी करनी पड़ती। और जब फूल आना स्टार्ट हुए तो तब उस दिन मैंने इसमें कोई अपना जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैंने डाला। तो मैं बस इस तरह से घर में कई बनाती रहती हूँ फर्टिलाइज़र, तो वो मैंने बरसात के टाइम कैसे बनाया वो भी वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं अपने सारे प्लांट्स में मैंने डाला है। तो ये देखा है ना मज़ेदार, तो इसको ज़रूर घर में जो है लगाएं आप। और तो और
अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो जो इनकी पुरानी पत्तियां होती हैं खराब होने लगती हैं, जहाँ वो सूख रही होती हैं, इसको तो खाद मिलती ही है। और दूसरे प्लांट्स के लिए भी आप उसके लिए जो खाद है तैयार कर सकते हैं। ये जैसे ये ऐसे अपने आप ही निकल आते हैं जो पुराने पुराने होते हैं और सड़ी गली पत्तियां, तो ये ऑर्गेनिक सिंगाड़े जो है आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से है वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।